हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं या नेपलीज बच्चे हैं वो MBBS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आने वाले जो दिसंबर में फॉर्म है मेडिकल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वो नोटिस मिलेगा कि जो दिसंबर में MBBS इन नेपाल का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है तो उसका फॉर्म आने वाला है सी। तो सी एग्जाम का फॉर्म आने से पहले जो अभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जे आप लोग सिलेबस के थ्रू प्रिपेयर करें। अगर आपको पहले से सिलेबस मालूम है तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर फिर नहीं मालूम है और आप प्रिपेयर कर रहे हैं सी के लिए, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको मैं यहाँ पर सिलेबस से वाकिफ कराने वाला हूँ और आशा करूँगा कि आप सभी लोग इस सिलेबस के अनुसार से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस मेडिकल एजुकेशन कमीशन द्वारा जारी की गई है और आपको लाभदायक होने वाले हैं आने वाले दिन में। तो सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेडिकल एजुकेशन की दी गई सिलेबस से और आप MBBS नेपाल 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यही सिलेबस होने वाला है आपका, क्योंकि ये सिलेबस आपको 2020 में जो फर्स्ट बार यहाँ पर फर्स्ट टाइम सी हुआ था तो उस वक्त ये सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था और यही सिलेबस है। हालांकि ये सिलेबस में कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि माइक्रो टॉपिक्स का ना देना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जो सब टॉपिक और मेन टॉपिक है उसी के बेसिस पर आप कोशिश कीजिए प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर आपको उतना सब टॉपिक भी देखने को नहीं मिलेगा, जो देखने को मिलेगा वो कहने मतलब कि आपको यहाँ पर मेनी टॉपिक देखने को मिलेगा कि इस टॉपिक में से कितना आएगा। सबसे ज़्यादा तो कमज़ोर मुझे लगता है केमिस्ट्री में जो सिलेबस दिया गया है वो काफ़ी मीन्स उतना अच्छा से नहीं है, डिटेल नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि किस में से क्या से कौन से सेक्शन में हम ज़्यादा फोकस करें, कौन से सेक्शन में कम करें बाकी दूसरे सब्जेक्ट के बजाय। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टाइम को ध्यान में मद्देनजर में रखते हुए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ सिलेबस फॉर MBBS नेपाल 2021 और यही सिलेबस आपको होने वाला है, क्योंकि एग्जाम की फॉर्म आने वाली है और मेडिकल एजुकेशन ने कोई दूसरा सिलेबस इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं किया है। जो पुराना का 2020 का है वही सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, सीरियल नंबर में एक आने मतलब जो मेन टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस किया और कंटेंट एंड क्वेश्चन एंड मार्क्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन भी होता है वो 200 होता है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन एंड मार्क्स लिखा है, जो जिस जगह पर आपको क्वेश्चन जितना दिखेगा उतना ही उसमें मार्क भी आने वाला है, वेटेज भी उसका उतना ही है। क्वेश्चन का और मार्क का दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा आपको, क्योंकि वन क्वेश्चन इज इक्वल टू वन मार्क, वन क्वेश्चन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट नंबर में हमने जूलॉजी लिया, तो जूलॉजी में अगर एक जूलॉजी में 6 टॉपिक रखा है यहाँ पर, तो देखिए जूलॉजी में फर्स्ट में से आपको बायोलॉजी मीन्स इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी आएगा इस तरह से, बायोलॉजी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में से 4 नंबर का आने वाला है आपका। उसी तरह से दूसरा नंबर में जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ टू कोडाटा मीन्स प्रोटोजोआ टू कोडाटा का जितना क्लासिफिकेशन सब है एग्जाम्पल वगैरह वो सब में से आपको 8 नंबर को देखने को मिलेगा। उसी तरह से 3 नंबर में प्लाज्मोडियम उसके बाद अर्थवर्म एंड फ्रॉग का लाइफ साइकिल जो है उसमें से आपको 8 नंबर को देखने को मिलेगा। उसी तरह से 4 नंबर में ह्यूमन बायोलॉजी कहने का मतलब कि आपका जितना भी सिस्टम है डाइजेस्टिव एक्सक्रेटरी रिस्पायरेटरी वो सारा सिस्टम आप समझिए, और ह्यूमन डिजीज में से आपको 14 नंबर को देखने को मिला, सबसे ज़्यादा वेटेज का यही है 14 नंबर का। उसी तरह से 5 नंबर में आपको एनिमल टिश्यू के बारे में 4 नंबर को देखने को मिलेगा और 6 नंबर में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एडाप्टेशन एंड एनिमल बिहेवियर एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी 2 नंबर का देखने को मिलेगा, मीन्स टोटल आपको जूलॉजी में से 40 नंबर को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मार्क है वेटेज है कहने का मतलब कि ह्यूमन बायोलॉजी मीन्स ह्यूमन का जो भी सिस्टम है वो और प्लस उसमें डिजीज में से 14 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, बोटनी में आते हैं। बोटनी भी देखिए दोस्तों 40 नंबर का है, मीन्स बायोलॉजी जो टोटल है वो कहने तो 80 नंबर, जूलॉजी 40 नंबर और बोटनी 40 नंबर। तो बोटनी के बी सेक्शन में आए और बी सेक्शन में आपको 7 नंबर में मीन 7 से लेकर आपको 11 तक बायोलॉजी में बोटनी को देखने को मिलेगा। तो
तो यहाँ पर 7 नंबर में बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी का 11 नंबर का है, और उसके बाद 8 नंबर में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में से 5 नंबर का है। उसी तरह से सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में से आपको 12 नंबर के दो चैप्टर में से आपको केवल 12 नंबर को देखने को मिलेगा। ये वेटेज जो इंडिया की जो नीट होती है उससे काफी कम है ये सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का, क्योंकि ये दो चैप्टर जो है इंडिया में काफी इंपोर्टेंस दिया जाता है सेल बायोलॉजी एंड इंपोर्टेंस। और यहाँ नेपाल में भी ये अगर हम लोग देखा जाए बोटनी में सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर कौन है तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, जिसका 12 नंबर वेटेज है। उसी तरह से एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में से 7 नंबर का है, डेवलपमेंटल एंड अप्लाइड बायोलॉजी में से बोटनी में से मतलब कि 5 नंबर को मिलेगा, तो टोटल यहाँ तो 11 तो। उसी तरह से अब आते हैं केमिस्ट्री में दोस्तों, केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पर देखेंगे 50 नंबर को क्वेश्चन आने वाला है, और इसमें आपको 12 से लेकर 14 नंबर तक यहाँ पर सी नंबर में जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री में से आपको 18 नंबर को आएगा। उसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 नंबर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी आपको 18 नंबर, टोटल आपको अगर मतलब 15 नंबर का हो गया। उसी तरह से फिजिक्स में आते हैं दोस्तों, तो फिजिक्स में से आपको यहाँ 15 से लेकर 21 तक है, सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स में से पूछा जाएगा, उसके बाद करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से पूछा जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है ऑलमोस्ट 6-6 नंबर का है, मीन्स एक चैप्टर में से 6 क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिकल ज्योमेट्री एंड मीन्स फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा। इसी तरह से देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि फिजिक्स में मैकेनिक्स में आपको 10 नंबर को देखने को मिलेगा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से 6 नंबर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स में से 6 नंबर, करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से 9 नंबर का आने वाला है, मीन्स 9 नंबर मीन्स 9 तो पूछा रहेगा, 9 नंबर होगा। उसी तरह से साउंड वेव्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर में से 6 नंबर आने वाला है, साउंड वेव्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर में से 6 नंबर आने वाला है, मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में से 4 नंबर आने वाला है। उसी तरह से सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स में से 4 नंबर आने वाला है। उसी तरह से पार्टिकल फिजिक्स सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूनिवर्स में से 3 नंबर, टोटल आपको ये 50 नंबर फिजिक्स हुआ। एक और दोस्तों, ये टोटल हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखेंगे तो 180 नंबर का हो रहा है, लेकिन जो सीई है वो करीब मतलब 200 का है, तो इसमें 20 नंबर और हमें ऐड करना है, तो 20 मार्क का करीब मतलब कि मैट आता है, तो मैट का हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो मैट में देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 सॉफ्ट टॉपिक है, उसमें से हर टॉपिक में से 50% क्या मीन्स 25% आएगा, मीन्स आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा हर टॉपिक में से, क्योंकि टोटल का वेटेज 20 है। तो यहाँ पर जैसे कि वर्बल रीजनिंग हो गया, ये मैन वो मैन इस तरह, तो उसमें आपको 5 नंबर को देखने को मिलेगा। उसी तरह से न्यूमेरिकल रीजनिंग में 5 नंबर को देखने को मिलेगा, लॉजिकल सिक्वेंसिंग जो है उसमें से 5 नंबर, उसी तरह से स्पेचुअल या रिलेशन बोलिए या अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोलिए, उसमें से 5 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। टोटल 200 का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बोटनी प्लस मैथ का, उसमें से आप अगर 100 मार्क स्कोर करते हैं, 100 मार्क स्कोर करते हैं दोस्तों, तो आपको मीन्स क्वालिफाइड माना जाता है, यहाँ पर क्वालिफाइड माना जाएगा, और आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है या कोई भी कॉलेज मिलने की चांसेस रहेगा। आप बिलो 100 स्कोर करते हैं तो आप मीन्स सी से आउट हो गए दोस्तों, और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। अगर आप मैक्सिमम जितना अच्छा रैंक स्कोर करते हैं, अबव 100 स्कोर करते हैं, जितना स्कोर करते हैं उस अनुसार से आपको बेस्ट कॉलेजेस अलॉटमेंट होगा दोस्तों। यहाँ पर किसी की सोर्स की बात नहीं है दोस्तों, आपको अच्छा कॉलेज लेना है तो अच्छा नंबर लेकर आना है सी में। तो सो गाइस, फाइनली मैंने सी का जो सिलेबस है इंट्रोड्यूस कर दिया है आप सभी से, इसका जो है सॉफ्ट टॉपिक्स सब माइनर टॉपिक्स सब नहीं इंक्लूड किया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर उसके चर्चा नहीं किया। लेकिन अगर आप रेगुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छा प्रैक्टिस होगा, तो क्वेश्चन बैंक एक अब जरूर रखिए जो पास्ट ईयर का हो। आप किसी भी सर की, किसी भी ऑथर की, किसी भी पब्लिकेशन की रख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी पब्लिकेशन का रखने वाले हैं या उसी पब्लिकेशन का की जरूरत है। तो सो गाइस, फाइनली मैं ये वीडियो को एंड करता हूं। अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह या क्वेरी हो तो आप नीचे दी गई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या वहां पर क्लियर नहीं होगा तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर +9779818148
4118646 पर आप कॉल कर पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।